हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो बीएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने अपने चैनल पर न्यू पोस्ट स्टार्ट किया हुआ है। अगर एक न्यू सब्जेक्ट कोड की बात करूँ तो सब्जेक्ट कोड है BES 127 असेसमेंट फॉर लर्निंग। यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड कर दी है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर देखिएगा। वीडियोज़ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी ब्लू कलर से लिखा है ना, वो लिंक होता है, उस पर क्लिक करना, आपके सामने सभी वीडियोज़ आ जाएगी असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट की। यूनिट 4 हम देखते हैं इश्यूज़ कंसर्न्स एंड ट्रेंड्स इन असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन। ये आपकी यूनिट 4 है। अगर बात करूँ एग्ज़ाम्स में इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेटा जो क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, वो देखने को मिलता है क्वेश्चन बैंक के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। तो एक तो ये वाली चीज़ हो जाती है इंपॉर्टेंट। दूसरा इसमें से अगर देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर, जैसे इसके मेरिट्स पूछ लिए, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पूछ लिए, या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखो मेरिट और डिमेरिट उसमें इंक्लूड करके, तो ये चीज़ इसमें से पूछ ली जाती है। बेसिकली इसमें से शॉर्ट नोट्स देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं ये दो टॉपिक्स। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन बैंक्स, जो कि आपका टॉपिक मैंने बताया कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि वीडियोस को ज़्यादा से शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस भी स्टडी सेंटर से आप जुड़े हुए हो, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप से का आप पार्ट हो, तो उसमें एक मिनट ज़रूर लगाइएगा, कुछ सेकंड ज़रूर लगाइएगा लिंक शेयर करने में, ठीक है, वीडियो को शेयर करने में। आई विल थैंकफुल टू यू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक वीडियो पहुँच सके। क्वेश्चन बैंक्स की बात करें तो बेटा क्वेश्चन बैंक के बारे में ना आप लोगों को भी खुद भी पता होगा कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है। क्वेश्चन बैंक जो होते हैं उसमें क्वेश्चंस होते हैं, नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन बैंक्स जो है, दे आर द डेटाबेसेस ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी शेयर्ड बिटवीन कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। जो कोर्स के बीच में या जो भी प्रोग्राम ऑफ स्टडी है उसके बीच में जो सेट ऑफ क्वेश्चन या डेटाबेसेस शेयर किए जाते हैं, वो होते हैं आपके क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक जनरली क्या होते हैं? क्वेश्चन बैंक होता है, उसके अंदर होते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट। किसी भी अगर सब्जेक्ट की बात करूँ, मान लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन बैंक है तो मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है तो आपको इंग्लिश का क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस है या जो भी अलग हॉट्स है आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन है, तो वो सब मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स, क्वेश्चन बैंक इज अ प्लान्ड लाइब्रेरी फॉर टेस्ट आइटम्स पूल्ड थ्रू कॉपरेटिव एफर्ट फॉर द यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड इवेल्युएटर्स। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए सब बच्चों को कि जो क्वेश्चन बैंक होते हैं ना, उनका यूज़ जो है स्टूडेंट के लिए भी होता है, टीचर के लिए भी होता है, और जो इवेल्युएटर है उसके भी काम आता है। तो ये आप कह सकते हो कि प्लान्ड लाइब्रेरी ऑफ टेस्ट आइटम्स है। टेस्ट आइटम में अक्सर क्या पूछा जाता है, आप कोई भी इवेल्युएशन करते हो, पेपर लेते हो, टेस्ट लेते हो, तो उसमें क्वेश्चन तो देते हो बच्चों को। तो यही चीज़ है कि स्टूडेंट के यूज़ के लिए, टीचर्स के यूज़ के लिए और इवेल्युएटर के यूज़ के लिए जो प्लान लाइब्रेरी ऑफ टेस्ट आइटम्स है, वो ही होती है आपकी क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक की अगर बात करूँ तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है ये देख सकते हो। इसको आइटम बैंक्स कहते हैं, आइटम पूल्स कहते हैं, आइटम कलेक्शन कहते हैं, आइटम रिजर्वर्स कहते हैं, टेस्ट आइटम लाइब्रेरीज, ये सारे क्वेश्चन बैंक के ही अलग अलग नाम हैं। क्वेश्चन बैंक इज़ अ कलेक्शन ऑफ लार्ज टेस्ट आइटम्स डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल एंड प्रिंटेड ऑन इंडेक्स कार्ड्स और स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर अलोंग विद सर्टेन सपोर्टिंग डेटा एंड केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रोड्यूस्ड व्हेनेवर नीडेड। तो ये चीज़ है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो क्वेश्चन बैंक होते हैं ना, वो लार्ज टेस्ट आइटम्स होते हैं, और उनको डेवलप कौन करता है, उनका विकास कौन करता है, कौन बनाता है क्वेश्चन बैंक, तो वो बनाते हैं जितने भी ट्रेंड या फिर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल होते हैं, जो भी बहुत ही अनुभव वाले कह सकते हो टीचर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। टीचर्स ज़रूरी नहीं है, टीचर्स जो आपके प्रोफेसर्स हो गए या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा शिक्षा से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, वो सारे प्रोफेशनल्स इसके अंदर आ जाते हैं जो कि क्वेश्चन बैंक्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडेक्स कार्ड्स पर ये प्रिंट करते हैं या फिर कंप्यूटर की मेमोरी में इसको स्टोर कर लिया जाता है जो भी सपोर्टिंग डेटा है, ताकि उसको जब भी ज़रूरत हो उसको रिप्रोड्यूस किया जा सके, उसको दोबारा से देखा जा सके। क्वेश्चन बैंक्स आर सर्चेबल सो डैट क्वेश्चंस मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम टू क्रिएट असेसमेंट। तो क्वेश्चन बैंक को हम क्या कर सकते हैं, सर्चेबल भी है, सर्च भी किया जा सकता है, ताकि जो भी एक आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करना चाहते हो तो, या
एक असेसमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी हेल्प से आप कर सकते हो. द क्वेश्चन बैंक अलाउज यूजर्स विद द एप्रोप्रिएट असेस टू क्रिएट क्वेश्चंस. अ क्वेश्चन बैंक सर्व्स मेनी पर्पसेस. बहुत सारे पर्पसेस को क्वेश्चन बैंक सर्व करता है. वो कौन कौन से पर्पसेस है वो देख लेते हैं. इट कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स एट द प्री टेस्टिंग स्टेज. टीचर इसको कहाँ यूज़ कर सकती है? प्री टेस्टिंग स्टेज में यूज़ कर सकती है. फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर, सेट जब क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उसके लिए यूज़ कर सकती है. लर्नर्स के अचीवमेंट को मापने के लिए कर सकती है. क्वेश्चंस फॉर द क्वेश्चन बैंक शुड बी प्रिपेयर्ड बाय प्रैक्टिसिंग टीचर्स. एनरिचमेंट ऑफ क्वेश्चंस बाय अपडेटिंग, डिस्कार्डिंग, रिप्लेसिंग, मॉडिफाइंग, एडिंग न्यू क्वेश्चन शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो ये चीज़ बताई गई है कि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन होते हैं वो जो भी प्रिपेयर किए जाते हैं जो टीचर्स प्रैक्टिस करते हैं उनके द्वारा, और क्वेश्चंस को अपडेट करना, डिस्कार्ड करना, रिप्लेस करना, अगर कोई नई क्वेश्चन है उसको ऐड करना या मॉडिफाई करना, तो ये सारी चीज़ें, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है क्वेश्चन बैंक में. क्वेश्चन बैंक जो होता है उसको समय समय पर अपडेट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, न्यू चीज़ें ऐड की जाती है, अगर कुछ आउटडेटेड हो गया है तो उसको रिप्लेस किया जाता है. तो ये सारी प्रोसेस भी इसके अंदर चलती है. इन क्वेश्चन बैंक All type of questions such as objective type, short answer type as well as long answer type that can be on a particular topic are included. तो ये सारी चीज़ें इसमें include कर दी जाती है, चाहे वो कोई भी, मतलब कोई भी एक particular topic है, जो भी आपका chapter है उससे related आपको objective type question, MCQ question या फिर fill in the blanks हो गए या फिर आपके match the following हो गए, ये इस type के question, short answer type, long answer type, हर type के आपको questions देखने को मिलते हैं. These question banks are of immense importance from teaching and general examinations, competitive examination and entrance test. तो यहाँ से देख सकते हो कि ये इनका कितना बड़ा स्कोप है और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है. इम्पोर्टेंस टीचिंग में भी है, और अगर बात करें तो जो जनरल एग्ज़ाम होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उन सब में क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. लार्ज स्केल पब्लिक एग्जामिनेशन इन्वॉल्विंग वाइडर कंटेंट कवरेज कैन एनहेंस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेश्चन बैंक. जितने भी आपके पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट कवरेज होती है, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन देखे जाते हैं तो उसमें कंटेंट बहुत सारा, जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो उसमें कंटेंट जो कवरेज होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपसे नॉलेज पूछ ली जाती है, इस वजह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पर्टिकुलर सेम एक आंसर होता है तो इसमें आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है तो उसमें ये नहीं है कि एग्जामिनर जो है अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा से जो उसको लगेगा उतने मार्क्स देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई पक्षपात नहीं होता है, इसलिए आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो कहा गया है कि जो भी आपके पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं ना, जहाँ पर भी वाइडर कंटेंट कवरेज होती है जिसमें इन्वॉल्व, तो उन सब में क्वेश्चन बैंक का सिग्निफिकेंस अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक हमें हर टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, छोटे बड़े हर टाइप के क्वेश्चन. तो ये है मेन चीज़ आपके क्वेश्चन बैंक को लेकर के. अब यहाँ पर बताया हुआ है फॉलोइंग आर द मेन रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन बैंक. क्वेश्चन बैंक क्यों बनाया जाता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, उसके क्या कारण है, यहाँ पर कारण दिए हुए देखते हैं. टू मीट द नीड ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस कोर्सेज, कि बच्चे जो अलग अलग कोर्सेज में जो बच्चों की जो तादाद बढ़ रही है तो उसको मीट करने के लिए. टू इंक्रीज इन नॉलेज एंड फेसिंग कॉम्पिटिशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही बात है. टू डिवाइसिंग मोर रिलायबल वैलिड कॉम्प्रिहेंसिव फेयर एंड ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग टेक्निक. यहाँ आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो. आई डोंट थिंक कि इसमें इतना कुछ भी आप लोगों को समझाने लायक है. टू अरेंज मोर एफिशिएंट इकोनॉमिकल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग आइटम, बिल्कुल सही बात है कि एफिशिएंट जो प्रभावी क्वेश्चन है इकोनॉमिकल और आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग आइटम है, ये नहीं है कि सिर्फ जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया वो सिर्फ एक ही टॉपिक को टच करता हुआ, जैसे मान लीजिए बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके, तो ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो पूछ लिए गए शुरू के 5 चैप्टर में से पूछ लिए गए या फिर लास्ट के 5 चैप्टर में से पूछ लिए गए. तो आपके जो क्वेश्चन है ना वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस हो, जिसमें हर एक चीज़ आपके इन्वॉल्व हो. आजकल के जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हो, आप लोगों को खुद भी लगता होगा कि कोई भी चीज़ अगर 20 नंबर की भी चीज़ आ रही है तो उसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि जिसमें आप खुद कहते हो कि 20 नंबर में ही सारी चीज़ें सारे टॉपिक्स इन्होंने टच कर दिए. तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं उनके टेस्टिंग आइटम्स. टू एक्सप्लोर द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डिवाइसेस फॉर डेटा प्रोसेसिंग सो एज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ टेस्टिंग प्रोग्राम्स. तो ये सारे हैं क्वेश्चन बैंक
क्यों ज़रूरी है, क्यों बनानी चाहिए, प्रिपेयर करने के जो रीजंस हैं वो। मेरिट्स की अगर बात करें तो मेरिट्स में देख सकते हो देर इज़ अ लिस्ट चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर एज इवन एक्सपर्ट्स डू नॉट नो वेदर देयर क्वेश्चंस हैव बीन इंक्लूडेड इन द टेस्ट और नॉट। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे ना मुझे ये कहते हुए सुनते हैं कि ना जो क्वेश्चन सेट करता होगा, जो क्वेश्चन बनाता होगा हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी सेट करता होगा, कोई भी एक्स वाई जेड आप पेपर देते हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का के लिए कोई भी पेपर देते हो, चाहे वो बैंक का देते हो, चाहे वो टीचिंग का देते हो, कोई भी पेपर देते हो एसएससी वगैरह का, तो बच्चे कहते हैं कि ना जो भी टीचर जिसने भी पेपर बनाया होगा वो तो अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, मतलब सबको बता देता होगा। तो ये चीज़ यहीं पर मैं बताती हूँ सबको, पहले भी मैंने बोला हुआ है कि ऐसा नहीं होता है, उनको खुद नहीं पता होता कि किसका क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट हुआ है, किसके क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं, तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यही चीज़ है कि लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर के जो चांसेस हैं ना वो कम हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन उनके क्वेश्चन आइटम ऐड किए गए हैं या नहीं किए गए, तो ये चीज़ हो जाते हैं मेरिट्स है ये, आप देख सकते हो किसके क्वेश्चन बैंक के। टीचर द टीचर्स नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन सो दे टीच अकॉर्डिंगली। तो टीचर को भी पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर, और वो उसी के अनुसार पढ़ाते हैं। जैसे आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर धक्के खाते हो, धक्के खाने का मतलब ये है, गलत वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ना एक तरीके से आप देखोगे शुरू में एक गाइडेंस के लिए दे आर गुड, सपोर्ट के लिए, या फिर आप लोगों को ये पता चल जाता है कि ये बुक है जो हम पढ़ सकते हैं, या इस टाइप का प्रीवियस पेपर्स आते हैं, इस टाइप की नॉलेज भले ही मिल जाती है, लेकिन एक तरीके से इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि बेनिफिट इतना होता है। सबका खैर अपना अपना व्यू पॉइंट है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी होते होंगे, क्यों मैं किसी का भी बुराई करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि खुद की मेहनत जो ज़रूरी है ना, वो है कि खुद की मेहनत, वो एक सपोर्ट का काम करते हैं। जो रियल जो मेहनत होती है ना वो एक बच्चे की होती है, कि सिर्फ कोचिंग पर ही जो आपको पढ़ाया गया उसी से आज के एग्ज़ाम अगर आप देने चले जाओ ना कोचिंग कोचिंग का पढ़ करके, तो बच्चे पेपर नहीं निकाल पाते। अलग अलग जगह से जब पढ़ते हो, अलग अलग टीचर्स का, अलग अलग सोर्सेज से जब आप पढ़ते हो, अलग अलग बुक्स पढ़ते हो, जब आप अपना एक लेवल सेट करते हो तभी वो बच्चा आगे बढ़ पाता है, तभी वो बच्चा पेपर क्रैक कर पाता है। तो यही चीज़ें हैं कि टीचर्स को पता चलता है क्वेश्चन बैंक, खैर मैंने बात को थोड़ा अलग ही कर दिया, लेकिन ऐसा है कि क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस देखते हैं तो उनसे टीचर को भी पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। क्वेश्चन पेपर्स कैन बी सेट इमिडिएटली और इन एमरजेंसी। क्वेश्चन पेपर एमरजेंसी हो गई, मान लीजिए क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया। अच्छा मैं बताती हूँ अपना अनुभव कि क्लास 9th में CCE पैटर्न लागू हुआ था, तो उसमें क्या हो रहा था कि ना उसमें ना पेपर्स जो है वो बन करके आते थे, तो बच्चों को जैसे पहले ही पता चल गया कि ना स्कूल दूसरे वाले स्कूल के पेपर जो है वो मैच हो रहे हैं, तो मैच हो रहे हैं, तो फाइनल एग्ज़ाम्स की डेट जो है हर स्कूल की अपनी अपनी अलग अलग होती है, तो बच्चों ने उनसे पेपर ले लिए, उनको पता चल गया कि यही सेम पेपर आना है, और वाकई में आता भी था। कुछ बच्चों को तो बिल्कुल ही सेम एज इट इज़ क्वेश्चंस मिल गए थे, क्वेश्चन पेपर मिल गए थे, और वो बहुत अच्छे से कर भी आए थे। लेकिन जैसे ही स्कूल वालों को पता चला कि क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिल चुका है, ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने सुबह सुबह क्वेश्चन पेपर चेंज कर दिया, उन्होंने सुबह सुबह क्वेश्चन पेपर चेंज कर दिया। तो यही चीज़ कही गई है कि क्वेश्चन पेपर्स कैन बी सेट इमिडिएटली और इन एमरजेंसी। एमरजेंसी में भी क्वेश्चन पेपर को सेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट। तो उन्होंने क्या किया था, एक सैम्पल पेपर था किसी भी एक एक्स वाई जेड पब्लिशर का, तो वो सैम्पल पेपर ही हमारा क्वेश्चन पेपर बना करके दे दिया था। तो वो चीज़ है कि एमरजेंसी में भी क्वेश्चन बैंक जो है हेल्प करते हैं, ताकि टेस्ट जो है, क्वेश्चन पेपर जो है वो इमीडिएटली भी सेट हो सके। स्टूडेंट्स विल बी अवेयर ऑफ एज टू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट तो अवेयर होते ही है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन बैंक्स हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग लर्निंग फ्रॉम वेरियस एंगल्स। लर्निंग को अलग अलग एंगल्स से, वेरियस एंगल्स से फैसिलिटेट करने का काम करता है। हेल्प्स एज अ गाइड फॉर पेपर सेटर्स, जो पेपर सेट करते हैं उनको एक सपोर्ट करने का, गाइड करने का कार्य करता है। ऑब्जेक्टिविटी इन इवेल्युएशन इज क्वाइट ऑब्वियस एज मेनी टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स टेक पार्ट इन आइटम कंस्ट्रक्शन। तो ऑब्जेक्टिविटी इवेल्युएशन में देखने को मिलती है, क्योंकि जो टीचर्स एक्सपर्ट्स हैं जो आइटम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सब उसमें इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन बैंक्स आर ऑल्सो यूज फॉर एडमिशन एंड एग्जामिनेशन पर्पज।
इन चीज़ के लिए भी किया जाता है, एडमिशन करना है या फिर एग्जामिनेशन पर्पस है उसके लिए भी क्वेश्चन बैंक यूज़ होता है। क्वेश्चन बैंक्स इंप्रूव ओवरऑल वैलिडिटी ऑफ एग्जामिनेशन, वैधता को बढ़ाने का कार्य करता है, इंप्रूव करता है, क्योंकि कंटेंट कवरेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है या फिर जो आपका कंटेंट है, मतलब मान लीजिए इंग्लिश में इंग्लिश का जो पेपर हो रहा है तो इंग्लिश की ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपका स्तर जो है, जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा तो वो हो जाती है वैलिडिटी। ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस या फिर बहुत ही ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए कि उसका कोई लेना देना ही नहीं था, ज़बरदस्ती घुसा दिया गया, तो इस टाइप का नहीं होगा। वैलिडिटी ऑफ एग्जामिनेशन को इम्प्रूव करने का कार्य करते हैं क्वेश्चन बैंक। ड्यू टू स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग प्रोसीजर, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स इज मेंटेन, तो ये भी मेंटेन हो सकता है। सैम्पल टेस्ट ड्रॉन फ्रॉम द बैंक मे बी सेफली अज्यूम टू बी पैरेलल और इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ मार्क्स ओवर टाइम और ईयर्स इज सॉल्व्ड। तो ये चीज़ है कि सैम्पल पेपर भी इनसे ड्रॉन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन बैंक्स मे बी यूज्ड बाय टीचर्स टू गेट फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि किस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, टीचर भी इसको एक फीडबैक की तरह ले सकती है, क्वेश्चन बैंक इसमें भी मदद करता है। अगर बात करें डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स है बेटा एजुकेटर डू नॉट हैव यूनिफॉर्म ओपिनियन विद रिगार्ड टू सिक्रेसी ऑफ द क्वेश्चन बैंक, तो एक यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं होता है सिक्रेसी ऑफ क्वेश्चन बैंक को लेकर के अलग अलग एजुकेटर का। ऑरिजिनेलिटी लैक्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पेपर में अब क्वेश्चन बैंक की ही मदद लेंगे तो ओरिजिनेलिटी कहाँ से आएगी, आप खुद बताइए। टीचर खुद का दिमाग नहीं लगाएगा, क्वेश्चन पेपर उठाया क्वेश्चन बैंक उठाया, उसमें से क्वेश्चंस लिखे और हो गया, बन गया क्वेश्चन पेपर, तो उससे क्या हो रहा है कि टीचर खुद एफर्ट्स नहीं कर रहा है, उनको एक रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है, तो ओरिजिनेलिटी कहीं ना कहीं कम होती है। इन द प्रेजेंट सेटअप व्हेन एग्जामिनेशन एम इज़ टू पास और फेल, देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन ऑफ सच बैंक्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो प्रेजेंट सेटअप की अगर बात करें, जहाँ पर एग्ज़ाम में बस पास और फेल होना ही मायने रखता है या एम होता है, तो वो जो क्वेश्चन बैंक है ना, उन स्टूडेंट और टीचर्स के लिए जस्टिफाई नहीं कर पाता। इट रिक्वायर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशल ट्रेनिंग ऑन द पार्ट ऑफ आइटम राइटर्स। तो मतलब एक मिनट रुको, इस वाले का मतलब ये है कि मान लीजिए कुछ बच्चे चाहते हैं कि बस हम पास हो जाए, जैसे बहुत सारे बीएड के बच्चे चाहते हैं ना कि बस हम पास हो जाए, हमें कौन सा टॉप करना है ना, तो वही चीज़ है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ोगे ना, तो उसमें तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उस चीज़ को जो आपका एम है वो चीज़ कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि आपको क्वेश्चन से इतने देखने को मिलेंगे, आप खुद नहीं डिसाइड कर पाओगे मैं कौन सा पढ़ूँ कौन सा नहीं, मुझे तो सिर्फ पास पास होना था, तो वो चीज़ है कि इस चीज़ को, इस वाली चीज़ को जस्टिफाई करने का कार्य नहीं करता। इट रिक्वायर्स सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशल ट्रेनिंग ऑन द पार्ट ऑफ आइटम राइटर्स। तो इसको जो आइटम बनाते हैं क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन सेटअप करते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है, पूरी बहुत डीप नॉलेज एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी है और एक स्पेशल ट्रेनिंग उनके पास होनी ज़रूरी है। इट रिक्वायर्स प्रोफिशिएंसी इन द टेक्निक्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑन द पार्ट ऑफ आइटम राइटर्स। कई बार देखने को मिलता है कि प्रोफिशिएंसी नहीं होती टेस्ट कंस्ट्रक्शन में जो भी आइटम राइटर्स होते हैं। द आइटम राइटर्स मे नॉट बी वेल वर्स्ड विद द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर होम द टेस्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड और यूज्ड। तो ये भी चीज़ है कि जो आइटम राइटर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि कौन से मानसिक स्तर या फिर किस लेवल के बच्चों को हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो दिए जाएंगे, वे बच्चे करने में सफल रहेंगे या नहीं, तो वो चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं होती और होना मतलब इतना संभव नहीं भी है कहीं ना कहीं। तो ये है आपका जो भी है क्वेश्चन बैंक के ऊपर, जितने भी इसके मेरिट है डिमेरिट है या फिर रीजंस है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन बैंक समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं, एक बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि उस पर भी आपका शॉर्ट नोट लिखना आता है। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिस पर शॉर्ट नोट अक्सर पूछ लिया जाता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करो तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या होते हैं, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही कोविड वाली चीज़ भी है, बच्चों ने ना छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल गया कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होते हैं क्या नहीं। खैर उनके इतने नहीं भी हुए हो तो आप लोगों को तो बिल्कुल पता होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतने दिए हुए हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेसिकली क्या होता है, ई एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो इंटरनेट की हेल्प से कंडक्ट कराए जाते हैं, या फिर रिमोट एरियाज़ की बात करें, विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करें, इंट्रानेट की
हेल्प से कराई जाती है, ठीक है। और एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसके ज़रिए जो है पूरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम मैनेज किया जाता है। कैंडिडेट्स को साइन अप करना होता है अपना अकाउंट या फिर स्टूडेंट प्रोफाइल बनानी होती है। साइन इन करने के बाद उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है क्वेश्चंस के आंसर देने का, एंड आफ्टर द टाइम ऑफ एक्सपायरी द आंसर पेपर इज़ डिसेबल्ड ऑटोमेटिकली एंड आंसर इज सेंट टू द एग्जामिनर। तो यही चीज़ है कि किस तरीके से जब आपका टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है, जब देखते हो ना आप उल्टा टाइम जो चलता रहता है और वो 00 हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना टेस्ट, आप फिर कुछ नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है कि ऑटोमेटिकली वो आपका सेव हो जाता है और आंसर जो है वो आपके एग्जामिनर तक सेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि एग्जामिनर जो होते हैं वे आपके आंसर्स को इवेलुएट करते हैं ईदर थ्रू ऑटोमेटेड प्रोसेस जो आपका कंप्यूटर में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है उसके मदद से होता है या फिर मैनुअली भी हो सकता है, और जो रिज़ल्ट है वो आपको ईमेल पर या फिर वेबसाइट पर आपका पब्लिश हो जाता है। इंटरनेट विल बी एज अ मीडिया फॉर डिसेमिनेटिंग एंड कंडक्टिंग टेस्ट। तो इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, एक जो मीडिया है आपकी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है टेस्ट को कंडक्ट करने में, और जो टेस्ट जो डिसेमिनेट हो रहा है मतलब अलग अलग जगह पर जो फैलता है टेस्ट, तो उस चीज़ में द प्रोग्रेस रिपोर्ट कैन बी प्रिंटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय जस्ट प्रोवाइडिंग द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ अ कैंडिडेट। तो कोई भी बच्चा अपनी जो रिपोर्ट कार्ड है वो अपनी प्रिंट करवा सकता है या फिर अपना देख सकता है जो भी स्कोर है उनका किसी भी टाइम, जब जैसे ही वो अपनी डिटेल्स भरेगा, कैंडिडेट अपना रोल नंबर भरेगा, अपना जो भी डिटेल पूछी गई है वो भरने के बाद बच्चे अपने रिजल्ट को देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जनरली क्वेश्चन बैंक्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके लिए ही क्वेश्चन बैंक जनरली देखी जाती है, प्रिपेयर की जाती है। आगे कहा है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। बिल्कुल, द सिस्टम कैन बी मॉडिफाइड एंड कस्टमाइज टू सूट द नीड्स ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसको जो सिस्टम है इसको मॉडिफाई किया जा सकता है और कस्टमाइज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द एज पर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नीड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल्स एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ और कोचिंग अकेडमीज। तो इन सब में आप लोग देख सकते हो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा सकता है, उन सब की नीड के अकॉर्डिंग जो भी स्तर के लोग हैं, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल है या कॉलेज है प्रोफेशनल है, उसके अकॉर्डिंग जो पेपर है या ऑनलाइन एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। दिस सिस्टम एम्स एट रिड्यूसिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अचीविंग टोटल ऑटोमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड टास्क लाइक रजिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स व्हिच लीड्स टू अ वेरी हाई डिग्री ऑफ सिस्टम एफिशिएंसी। तो ये सारी चीज़ आ जाती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ना इसमें ना मेरिट्स और डिमेरिट्स जरूर करके जाना, क्योंकि ना अक्सर पूछ दिया जाता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मेरिट और डिमेरिट बताओ, तो आपके दूसरे वाले ब्लॉक में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर के है, अगर उसमें आप लोगों को मेरिट डिमेरिट ना मिले ना तो आप कहीं और से भी करना। मैं कोशिश करूँगी कि देखूँ, मुझे मिल गए तो मैं आप लोगों को कराऊँ, लेकिन इसको आप खुद भी करिएगा, हो सकता है मुझे इतना टाइम ना मिले तो इसको मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरिट और डिमेरिट जो है ना वो सभी बच्चे इंटरनेट पर अपना सर्च करके पढ़ करके जाए, ताकि पेपर में ना बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े और आप इजीली कर सको, ठीक है। तो इसी के साथ करती हूँ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म, और यूनिट 4 भी आपकी होती है इसी के साथ ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thank you for watching this video and all the best for your exam.